हाय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले बार पार्ट वन एंड पार्ट टू का वीडियो देखे थे हायर एजुकेशन सिस्टम का। इस बार हम पार्ट थ्री देखेंगे। पार्ट थ्री में हम देखने जा रहे हैं हायर एजुकेशन सिस्टम का राधा कृष्ण कमीशन, मुडालियर कमीशन, इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, कोठारी कमीशन, एजुकेशन सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ग्रानन कमिटी टू लेकर के बी पावर कमिटी तक हम देखने जा रहे हैं अभी। और सबसे पहले इंडिपेंडेंस के बाद हमारा आता है राधा कृष्णन कमीशन, वो 1948 और 1949 में आता है। और ये राधा कृष्णन कमीशन क्या कहता है देखते हैं दोस्तों। ये कहता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यहाँ पर ये जो राधा कृष्णन कमीशन को दूसरा नाम से और एक बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कहा जाता है कि इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद ये रिकमेंडेड करता है, देखते हैं, इट रिकमेंडेड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्या करता है ना, सेकेंडरी एजुकेशन को और हायर एजुकेशन को एकत्रित करता है, के लिए सिफारिश करता है। इट ऑल्सो सजेस्ट सेटिंग अप ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी। ये और ये भी सजेस्ट करता है कि रूरल एरिया में भी यूनिवर्सिटी बनाया जाए। उसके बाद देखते हैं दोस्तों मुडालियर कमीशन। मुडालियर कमीशन में क्या होता है दोस्तों, ये 1952 से लेकर 1953 तक आया था। इट ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको रेड लाइन दिया हूँ और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रेड लाइन को ओनली अपने एक बार ध्यान से ले लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये तो MCQ जैसे में आता है। इट रिकमेंडेड द 3 ईयर सेकेंडरी एंड 4 ईयर हायर सेकेंडरी सिस्टम। ये रिकमेंडेड करता है कि जो सेकेंड 3 ईयर होना चाहिए सेकेंडरी, और जो हायर एजुकेशन होता है वो 4 ईयर होना चाहिए। इट ऑल्सो एम्फासाइज्ड सेटिंग अप ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये और भी ये गुरुत्व देता है मल्टीपर्पज स्कूल के लिए और वोकेशनल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट, मतलब वोकेशनल संस्था के लिए ये सिफारिश देता है। इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी, बहुत बार इसमें एग्जाम में आता है ये, इस बार दिसंबर में आया था। और देखते हैं इस कमिटी में क्या। इट इज़ सेटअप टू स्टडी द रोल ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर यूथ। ये यूथ के लिए, यूथ मीन्स स्टूडेंट्स ऑफ, जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल का और कॉलेज का, उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाया जाए, ये सिफारिश करता था, इसके लिए बनाया गया था। इट ऑल्सो वांट्स टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन। और ये चाहता था कि जो यूथ के लिए उनको मोटिवेट करे, ऐसा इस तरह का सब प्रोग्राम्स बनाया जाए। और ये जो इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी था, ये डॉक्टर संपूर्णानंद के चेयरमैनशिप के अंडर में आता है, उनके अंडर में ये किया गया था। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कोठारी कमीशन, अभी आया था, ये चारों का चारों आया था, और इमोशनल इंटीग्रेशन भी आया था, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन, मुडालियर अभी आया था दिसंबर 19 में, और इसके ऊपर एक MCQ भी बना था, हमने फेस भी किया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको एजुकेशन और नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इट प्रपोज्ड 3 ईयर डिग्री एंड 4 ईयर ऑनर्स डिग्री कोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय द ऑनर्स डिग्री? ऑनर्स डिग्री मीन्स कोई भी एक ही सब्जेक्ट को, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, उसको प्रीडोमिनेटली उसको ही लेके, और बाकी सब सब्जेक्ट थोड़ा, एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज होता है और सेकंड लैंग्वेज तो आएगा, पर जो एक मेन सब्जेक्ट होता है उसको लेकर अगर कोई डिग्री हासिल करना चाहता है तो उसको 4 साल तक पढ़ना पड़ेगा, और जो जनरल डिग्री करता है उसको 3 ईयर में करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिकमेंड करता है कि जितना भी नेशनल इनकम होता है उसका 6% एजुकेशन में खर्चा किया जाए, ये बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन सब्जेक्ट इन कॉन्करेंट लिस्ट,
कौन का दोस्तों, हमारा जो देश है वो फेडरल है, वो संघीय है, यहाँ पर स्टेट भी होता है और सेंटर भी होता है। तो ये सब जो सब्जेक्ट, एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर दोनों का हक होता है। सबसे पहले देखते कैसे एजुकेशन इज द कॉन्करेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। ना ये जो एजुकेशन है ये दोनों के लिए आता है, दोनों का सब्जेक्ट में आता है। जैसे कि हमारा जो सेंटर को 96-97 सब्जेक्ट दिया गया, स्टेट्स को 66 सब्जेक्ट दिया गया। तो वो जो कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रह गया जिसको दोनों में दिया गया है, जो कि सेंटर का भी अधिकार रहेगा और साथ में स्टेट का भी अधिकार रहेगा। पर आज का डेट में सेंटर का जो अधिकार है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रिवेल होता है। एजुकेशन वॉज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट व्हाइल सेंटर वॉज द गिवन द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड। जो एजुकेशन है वो स्टेट देगा और सेंटर उसके लिए कोऑर्डिनेट करेगा उसको और डिटर्मिनेशन करेगा कौन से स्टैंडर्ड का एजुकेशन देना चाहिए। उसके बाद फिर से एक नियम आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 42nd अमेंडमेंट में बहुत कुछ बदलाव आया था 1976 में, और वहाँ पे वो सेंटर वॉज ऑल्सो गिवन द रेस्पॉन्सिबल ऑफ एजुकेशन, और सेंटर को भी उत्तरदायित्व दिया गया था कि आप भी एजुकेशन सिस्टम को आप दायित्व, उसका दायित्व आप लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर एक राष्ट्रीय पॉलिसी बनाया गया था, उस पॉलिसी के तहत इट प्रपोज्ड हायर एजुकेशन बाय डिस्टेंस लर्निंग मोड। सबसे पहली बार आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 के बाद आता है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये प्रपोज करता है कि जो पत्राचार का सिस्टम, जो पत्राचार सिस्टम मतलब कि जो डिस्टेंस और ओडीएल मोड में लर्निंग भी सिखाया जाए, जो कि जो लोग को सुविधा नहीं होता है, रिमोट एरिया में रहते हैं या अदरवाइज एज डिफरेंस बहुत रहता है, तो उनके लिए बहुत डिस्टेंस एजुकेशन बहुत ही फायदेमंद होगा करके ये प्रपोज किया था। ड्यू टू द सेकंड जनरेशन मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991 दैट चेंजेस द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। जब सेकंड जनरेशन में जब हमारा इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से बदल गया था, तब एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव आया था ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के तहत। उसके बाद आता है ज्ञानम कमेटी। ज्ञानम कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्ञानम कमेटी 1993 में आया था, और इस कमेटी के तहत ये सजेस्ट करता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द ऑटोनॉमी फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। वो क्या करता था कि जो एकेडमिक एक्सीलेंस होता था, जो कि पाठ्यक्रम होता था साल भर के लिए, तो उसको है ना ऑटो स्वयं शासित किया जाए। इट आस्क्ड फॉर अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। और ये भी क्वेश्चन उठाया था कि जो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं, मैं आपको बाद में हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम का फोर्थ नंबर पार्ट में आने वाला है कि कितना प्रकार का यूनिवर्सिटी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा था, उसको चेकिंग किया जाए और उसका सब्जेक्ट करिकुलम सबको एक अंडर में, एक कंट्रोल और स्टैंडर्ड में लिया जाए। इट एम्फसाइज द नीड फॉर ए नेशनल कमीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कमेटी में नेशनल कमीशन को गुरुत्व दिया गया था रिसर्च के लिए और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, तो आप बोलोगे कि ज्ञानम कमेटी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, साम पिट्रोडा कमेटी। साम पिट्रोडा कमेटी में क्या हुआ था, ये 2007 को आया था, अभी 12 साल पहले आया था। और इस कमेटी में इट इज़ पॉपुलरली नोन एज नेशनल नॉलेज कमीशन NKC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको NKC को देखेगा, एक दो बार भी आ चुका है ये UGC नेट में। और ये इसके तहत देखते हैं क्या होता है। इट रिकमेंडेड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुला। करिकुला मीन्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ अ करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम को जो दोबारा फिर गठन कर किया जाए उसके लिए वो सिफारिश किया था। इट सपोर्टेड द कंट्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि यहाँ पे पहली बार फॉरेन जो यूनिवर्सिटी होते हैं, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इन लोगों का जो स्टडी सेंटर है यहाँ पे भी बनाया जाए, इसके लिए वो परमिशन मतलब वो सपोर्ट किया था कि एंट्री हो सकते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी यहाँ पे। उसके बाद आता है यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी में क्या होता है दोस्तों, ये रिकमेंडेड 7 मेंबर कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मतलब CHER। बहुत ही इंपॉर्टेंट, CHER का फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी। सी मीन्स कमीशन, और एच मीन्स हायर, एंड ई मीन्स एजुकेशन, और आर मीन्स रिसर्च।
इट स्ट्रांगली सजेस्टेड रेड्यूसिंग ऑफ द बर्डन ऑफ एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑन द यूनिवर्सिटी। ये बहुत ही जोर से ये सजेस्ट किया था कि जो कॉलेजेस होते हैं वो यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो जाए। इट स्ट्रेस्ड द नीड फॉर मोर अटेंशन ऑफ टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस टू द लर्निंग। और इसने ये और भी गुरुत्वपूर्ण दिया था, इसको जोर दिया था कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस को वो ऊपर भी ध्यान दिया जाए। इसके बाद आता है शर्मा कमेटी। शर्मा कमेटी में क्या होता है कि शर्मा कमेटी ये सजेस्ट करता है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया सबसे पहली बार आता है, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी को वो ज़्यादा गुरुत्व देता है और उसको डेवलपमेंट करने के लिए सिफारिश करता है सरकार को। इट सजेस्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए सजेस्ट करता है। ये भी फुल फॉर्म पूछता है यूजीसी नेट में, IISER मीन्स व्हाट ना, IISER मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। और ये बोलता है कि 500 करोड़ टू बी स्पेंड ऑन रिसर्च इन बेसिक साइंस एवरी ईयर बाय द UGC। तो वो बोलता है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उन्होंने 500 करोड़ रुपया हर ईयर रिसर्च के लिए और बेसिक साइंस के ऊपर खर्चा करना चाहिए। और ये सही ही बोला था उसने, क्योंकि आज बढ़ते हुए देशों में आज का जो विज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है डॉक्टर अनिल काकोडकर कमिटी। इस कमिटी के तहत इट सजेस्टेड द स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। ये जो टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बोलता है। इट रिकमेंडेड दैट 2% बजट इन एवरी इंस्टीट्यूशन टू बी रिमार्क्ड ईयर मार्क्ड फॉर रिसर्च। रिसर्च के लिए 2% बजट रखना चाहिए, रिसर्च के ऊपर खर्चा करना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं KB पावर कमेटी। ये बोलना चाहता है कि ये रिकमेंड करता है 4 मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दैट मीन्स PPP इन हायर एजुकेशन। दैट मीन्स जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके स्कूल कॉलेजेस बना सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ से प्राइवेट भी अपना यूनिवर्सिटी बना सकता है और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी अपना यूनिवर्सिटी बना सकता है, और दोनों मिलके एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया में वो बातचीत करते हैं, मतलब ये कमेटी में सिफारिश करता है। उसके बाद देखते हैं दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाई UGC और इस कमेटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 4 आएगा उसमें और अच्छे से समझाने वाला हूँ। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ये एजुकेशन चैनल है, बहुत सब आपको नहीं तो आपका परिवार में नहीं तो इस देश में किसी न किसी को ये इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए इस तरह का जो एजुकेशन चैनल आता है उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को क्लिक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।